नमस्कार। ये जो पीछे चित्र चल रहा है वीडियो, ये सोचने पर विवश कर देगा आपको कि पर्यावरणीय प्रदूषण ने आखिरकार रिवर और एक्वेटिक एनिमल को क्या कर दिया। हजारों टन की संख्या में मछली मारी जा चुकी है। ये रिपोर्ट है ब्राजील से और नदी का नाम है पिरासिकावा। पिरासिकावा जो नदी है उसी से संबंधित यह सारा रिपोर्ट था जो आपको दिखा। कुछ बातें और भी है, जरा इसके बारे में आप देख लीजिए। जैसा कि न्यूज आ रहा है वह क्या है आपको दिख सकता है। न्यूज है, टन्स ऑफ डेथ फिश कवर मेजर रिवर इन ब्राजील आफ्टर एलिज्ड डंपिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब कि कथित रूप से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जब उसको नदी में प्रभावित किया गया तो हजारों टन की संख्या में मछली मारी गई ब्राजील। एक बहुत ही सोचने का विषय। रिवर का नाम है पिरासिकावा रिवर, ये ब्राजील में पड़ता है रिवर। और जैसा कि न्यूज में आया है और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये साउ पोलो जो स्टेट है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा मैप में कि साउ पोलो स्टेट ब्राजील का कहाँ है, वहां पर सेवरल टन्स ऑफ द फिश जो था वो डेथ पाया गया एलिज्ड इलीगल डंपिंग के द्वारा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, खासकर सुगर और इथेनॉल प्लांट से जो वेस्ट छोड़ा जा रहा था उस कारण से। आपको पता होगा कि ब्राजील केवल कॉफी के लिए नहीं, सुगर कैन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, माना जा रहा है कि 10 से 20 टन मछलियां मारी गई पिरासिकावा नदी में, जो विश्लेषकों का कहना है। ये कहां पर है? दक्षिण पूर्वी ब्राजील, जो साउ पोलो का जगह है वहां पर है। दक्षिण पूर्व यानी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप इस इमेज में देख सकते हैं कहां पर है आपका साउ पोलो। ये इस एरिया में है साउ पोलो, यह अटलांटिक सागर के तट पर है, यानी यह इस साइड में पूर्वी साइड में है। ब्राजील के शहर को जरूर आप ध्यान रखें, कौन कौन से ऊपर में, ब्राजील से ऊपर में जरिए आप कुछ देशों का नाम देखना चाहते हैं तो यहां पर फ्रेंच गुएना, सुरीनाम, गुएना, वेनेजुएला। ईस्ट के आप वेस्ट के साइड देखेंगे तो कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, ठीक है, और थोड़ा सा अर्जेंटीना भी सटता है ब्राजील से। चलिए, ये तो है साउ पोलो, जहां पर वो नदी पिरासिकावा नदी बहती है और यहीं पर जो डंपिंग किया गया था उसका वो परिणाम। पिरासिकावा नदी के बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए, वो यह है, यह नदी जो है बेसिकली साउ पोलो में तो बहती ही है जो दक्षिण पूर्वी ब्राजील का हिस्सा है, ये टीएटे नदी की एक शाखा है, यानी कहा जाए ये टीएटे नदी की सहायक नदी है जो ब्राजील की एक प्रमुख नदी है। और यह जाकर जो मिलती है उससे, वह मिलती है एक बांध पर जिसका नाम है बर्रा बोनिता बांध। बर्रा बोनिता बांध एक बनाया गया था टीएटे नदी पर, वहीं पर आकर के यह पिरासिकावा नदी जाकर के मिलती है। यहां पर जो मुख्य मुद्दा है, जो इथेनॉल और सुगर केन वाले इलाके से जो वेस्ट को ड्राइव करके वहां तक पहुंचाया जा रहा है उस नदी में, बेसिकली यह वहां पर एक प्लांट है जिसका नाम है एस्टिवा साउजोस प्लांट जो है इथेनॉल और सुगर बनाने वाली एक प्लांट है, वहीं से यह प्रदूषण को छोड़ा जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है और जाकर के आगे वह कहां मिल जाती है, उस नदी में मिल जाती है। बहुत सारे एक्वेटिक जो मेरीन लाइफ है वो तो समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव वहां के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में यदि मछलियां मरेगी तो आप सोच सकते हैं कितना स्मेल कर रहा होगा और कितना हाइजीन होगा वहां का एयर। पानी तो गया ही, साथ ही साथ वहां के एयर में कितना सारा एयर पॉल्यूशन हो गया होगा आप सोच सकते हैं। गंध माना जाता है कई किलोमीटर से दूर से ही गंध सूंघने को मिल जाता है। मछुआरे और स्थानीय समुदाय की स्थिति बहुत चिंताजनक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव तो उन्हीं को पड़ेगा, मछुआरे और स्थानीय समुदाय को। पिरासिकावा जो नदी है, जो मैंने कहा था साउ पोलो से गुजरती है, यह बेसिकली वहां पर छोटे जो स्टीमर है नौवाहन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह क्षेत्र गन्ना और कॉफी के खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही नदी जो है वहां की पानी की आपूर्ति भी करती है। आप सोच सकते हैं कि ब्राजील में आने वाले समय में गन्ना और कॉफी की खेती प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो पानी है वह कंटामिनेटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। पिछले साल आप ये बात भी जान लीजिए कि अमेजन नदी भी भीषण सूखा के चपेट में आ गया था, जो विश्व की सबसे वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है। वैसे सबसे लंबी नदी तो आपको मालूम है
नाइल रिवर है, लेकिन वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी किसे माना जाता है? अमेजन को माना जाता है आयतन के हिसाब से। वह नदी भी भीषण सूखे का शिकार होने के कारण कई सारी मछलियां पिछले साल मर गई थी, और इस कारण से ब्राजील आए दिन इस रूप से समस्याओं से पीड़ित है। पैरासिकाबा के क्षेत्र के बारे में भी मैं बता दूं, ये जो पूरा नदी का क्षेत्र है, पैरासिकाबा नदी का जो क्षेत्र है, ये बेसिकली जो पड़ता है ये टेनकावा नामक संरक्षित क्षेत्र को पार करती है, यानी एक जो संरक्षित क्षेत्र है बायो रिजर्व टाइप का, उसका नाम है टेनकावा संरक्षित क्षेत्र, उसी को यह नदी पार करती है। माना जाता है इस टेनकावा को ही मिनी पेंटानल कहा जाता है। याद रखेंगे इसे टेनकावा जो संरक्षित क्षेत्र है जहां से पैरासिकाबा नदी पार होती है, इसे मिनी पेंटानल कहा जाता है। ये मिनी पेंटानल क्या है, इस पर आने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो टेनकावा जो संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ प्रचुर मात्रा में जीवन और चमकदार प्राकृतिक दृश्य पाए जाते हैं। प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है, यानी कि ट्रॉपिकल वेटलैंड वाला क्षेत्र है, और करीब करीब इसका जो बेसिन है पैरासिकाबा का बेसिन लगभग 12,531 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। अब जो कंपेयर किया जा रहा है इस टेनकावा संरक्षित क्षेत्र को, जिससे होकर के पैरासिकाबा नदी जाती है, उसे मिनी पेंटानल कहा जाता है। पेंटानल क्या है जरा इसको भी देखा जाए। पेंटानल एक क्षेत्र है, बहुत ही आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, बाढ़ वगैरह वहां पर हमेशा आते रहता है, और बायो डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है, अमेजन से कम इसको मत मानिए। और यह इस क्षेत्र में पाया जाता है, साउथ ऑफ, यदि बेसिक कहा जाए साउथ वेस्ट ऑफ द ब्राजील। लेकिन ब्राजील का क्षेत्र के साथ साथ इसमें बोलिविया और पराग्वे का क्षेत्र भी शामिल है, जहां पर यह बड़ी मात्रा में यह क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि जो मैंने क्षेत्र कहा था, यह पूरा देखने को जो है यह वेटलैंड क्षेत्र या इसी ढंग का दिखता है, यानी जिसका मैंने नाम पेंटानल कहा। पेंटानल पैरासिकाबा वाला क्षेत्र जो है उसको मिनी पेंटानल कहते हैं। जो पेंटानल है जो उसके बारे में उसी का यह पूरा का पूरा आपने दृश्य को देखा, ये जो देखा ये पेंटानल का था। अब मैं पेंटानल के बारे में बात कर रहा हूं। तो पेंटानल एक प्राकृतिक क्षेत्र है दुनिया के सबसे बड़ा। अब यहां पर आप एकदम इस चीज को ध्यान रखें कि जो पेंटानल है ये दुनिया का सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े बाढ़ वाले घास के मैदानों को शामिल किया हुआ है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा बाढ़ का मैदान इसी में है। बाढ़ का घास का मैदान जहां पर बाढ़ आती है दुनिया का, वो सबसे बड़ा यही है, और उष्णकटिबंधीय जो वेटलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा यही है। ज्यादातर जो है ये मैंने कहा था कि ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील का माटो ग्रोसा जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका बोलिविया और पराग्वे में भी पड़ता है। विभिन्न उपक्षेत्रों में डिवाइड है पूरा का पूरा यह जो पेंटानल है। यहाँ पर अलग अलग जल विज्ञान, भू विज्ञान और पारिस्थितिकीय विशेषताएं हैं, जिसमें से 12 को परिभाषित किया जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं, वैसे भी ब्राजील बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन जिस ढंग से घटनाक्रम चल रहा है, जैसे पिछले साल अमेजन में सूखा पड़ गया, और आज मिनी पेंटानल जिसको आप कह सकते हैं पैरासिकाबा का क्षेत्र, उसमें मछली का इस ढंग से मर जाना जो कंटेमिनेटेड वाटर के कारण, ये सोचने वाली बात है। कल को कोई बड़ी बात ना हो कि अमेजन के क्षेत्र में भी ऐसे ही कुछ घटनाएं हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।